सब्सक्राइब करें जी टेस्टी फूड चैनल को और बेल आइकन को दबाइए मेरी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो फ्रेंड, मैं मीनाक्षी सेट्टी इजी टेस्टी फूड चैनल में मैं आपका स्वागत करती हूँ। कभी कभी दिवाली पर खील इतनी ज्यादा आ जाती है और वह सीलने लग जाती है, खाने का मन नहीं करता। उसी खील को हम इतनी स्वादिष्ट और मजेदार बना देंगे कि आपका बार बार खाने को मन चाहेगा। तो चलिए हम बनाते हैं दिवाली की बची हुई खीर से स्वादिष्ट चाट। सबसे पहले मैंने ली है 1 कटोरी खीर। खीर को अच्छे से साफ कर लेंगे, कोई इसमें जोका दाना कुछ होता है जैसे कि, और इसको 1 कटोरी खीर ले लेंगे। आप आधी भी ले सकते हैं या ज्यादा भी ले सकते हैं। आधा मैंने नींबू लिया है, थोड़ा सा मैंने हरा धनिया धोकर काट लिया है, एक मैंने छोटा वाला बॉयल आलू धोकर काट लिया है, एक मैंने छोटा सा खीरा ले लिया है, थोड़ा सा मैंने प्याज बारीक काट लिया है, थोड़ी मैंने शिमला मिर्च ले ली है, हरी मिर्च ले ली है और थोड़ा खीरा ले लिया है, एक छोटा चम्मच मैंने अमूल बटर लिया है, एक पाउच मैंने ग्रीन चटनी का लिया है, ग्रीन चिली का, और एक मैंने टमाटो केचप का लिया है, एक चम्मच मैंने इमली की चटनी ली है, 2 से 3 चुटकी मैंने हींग ली है, एक छोटा चम्मच मैंने चाट मसाला लिया है, आधा छोटा चम्मच मैंने काली मिर्च ली है, एक छोटा चम्मच मैंने नमक लिया है या फिर स्वाद अनुसार, आधा छोटा चम्मच मैंने हल्दी पाउडर लिया है, थोड़ा सा मैंने भुना जीरा लिया है। सबसे पहले हम गैस ऑन कर देंगे, गैस में अमूल बटर डाल देंगे। अमूल बटर को हल्का सा पिघलने देंगे। अब जैसे ही हमारा बटर पिघलने लगेगा गैस को मंदा कर देंगे और उसमें आधा छोटा चम्मच हल्दी डाल देंगे। हल्दी को इस तरीके से बटर में मिक्स कर देंगे। और अब हम इसमें खील डाल देंगे और इसको हम मंदी आंच पर ही रोस्ट करेंगे जिससे कि ये करारी क्रिस्पी हो जाए। 1 मिनट हमें भूनते हुए हो गया था बटर में हल्दी डालकर खील को। अब 2 से 3 चुटकी हमने हींग डाल दी है। हींग से भी इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। अगर आपको हींग का टेस्ट अच्छा नहीं लगता तो आप अवॉइड भी कर सकते हैं। और गैस को हमें ना ही मीडियम करना है ना ही तेज करना है, हमें मंदी आंच पर ही इसे बटर के साथ भूनना है। देखिए हल्दी का कलर भी आ गया है, बटर की अच्छी खुशबू भी आ रही है और हमारी खील क्रिस्पी होती जा रही है। इस तरीके से तोड़कर देख लेंगे और करारी क्रिस्पी थोड़ी सी और कर लेंगे। 2 से 3 मिनट मंदी आंच पर भूनते हुए हमें खील को हो गए हैं। अब हम इसे अच्छे से देखेंगे। इस तरीके से देखिए ये कड़क हो गई है, थोड़ी और कड़क करेंगे अभी हम इसे 1 से आधा मिनट तक, और ये हमारी मंदी आंच में ही हो जाएगी। हमारे 3 से 4 में खील बड़ी क्रिस्पी हो गई है। गैस को बंद कर देंगे और जब तक हमारी कढ़ाई गर्म है तब तक हम इसे थोड़ा और क्रिस्पी होने देंगे। और लेकिन ऐसे छोड़ना नहीं है, हिलाते रहना है। अगर नहीं हिला रहे हैं तो इसे ठंडे बर्तन में निकाल लेंगे, अगर हम इसे हिलाएंगे नहीं तो यह नीचे से जल जाएगी। तो मैं हिलाते हुए ही इसे कढ़ाई ठंडी होने का इंतजार करूंगी। कढ़ाई हमारी ठंडी हो चुकी है, इसे हम एक डोंगे में बाउल में निकाल लेंगे। खील को बहुत ही अच्छी मक्खन की खुशबू आ रही है। और अब हम नमक बहुत कम डालेंगे क्योंकि हमारे बटर में भी नमक होता है। अब मैं इसमें बॉयल्ड आलू, खीरा, प्याज, शिमला मिर्च, हरा धनिया मैं ऊपर से डालूंगी, हरी मिर्च भी, और मैंने 1 छोटा चम्मच नमक लिया था, मैं 1/2 चम्मच ही डाल रही हूँ क्योंकि हमारे सॉसेज में भी नमक है और अमूल बटर में भी नमक होता है, और भुना जीरा, चाट मसाले में भी नमक होता है, और थोड़ी सी काली मिर्च, मैं 1/2 चम्मच छोटा पूरा नहीं डाल रही हूँ, और एक ग्रीन सॉस का पाउच, एक टमाटो केचप का पाउच और एक इमली की चटनी का चम्मच भर कर, और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए अब हम इसके ऊपर एक प्लेट ढकेंगे और इसको दोनों हाथों से पकड़ के इस तरीके से मिक्स कर देंगे। झटपट से ही हमारी खील की चाट तैयार हो गई है। इस तरीके से बनाइए, खाइए और मुझे बताइए यह चाट आपको कैसी लगी। अब हम इसे सर्व करेंगे। देखिए मैंने इनको 2 तरीके से सर्व किया है, बाजार के स्टाइल में इस तरीके से और इस तरीके से। आप किसी भी तरीके से सर्व कीजिए और खील के चाट के मजे लीजिए। और मैं इसमें नींबू डाल रही हूँ, और जैसे ही हम इसमें सारे वेजिटेबल्स मिला दें तो इसे झटपट से ही खा लें।
वरना इसका कुकुरापन फिर से ख़त्म होता जाएगा, ये फिर से सीलने लगेगी। और मैंने इसमें नींबू डाल दिया है। अब हम हरा धनिया डालेंगे। अगर आपको मेरी यह वीडियो पसंद आई हो तो मेरे को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मेरा इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर पर भी पेज है, आप चाहें तो मुझे वहाँ भी फॉलो कर सकते हैं। मैं इन तीनों के पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। थैंक यू।